नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। चलिए बात करते हैं आयरिस स्कैनिंग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, यह कैसे काम करती है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जहां तक हम इंसानों की बात करते हैं तो हम सभी के पास में तीन ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, वो है फिंगरप्रिंट, दूसरा है डीएनए और तीसरा है हमारी आयरिस का पैटर्न। दोस्तों हम नॉर्मली अपने फिंगरप्रिंट को काफी यूज करते हैं बायोमेट्रिक एक्सेस में, जहां पर भी हमको किसी सिलेक्टेड पर्सन को एंट्री एक्सेस देनी होती है या नहीं देनी होती है। डीएनए वगैरह का हम यूज करते हैं फॉरेंसिक साइंस में। तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो बचता है हमारा आयरिस स्कैनिंग। हम आज के टाइम में डीएनए का तो नहीं मगर फिंगरप्रिंट और आयरिस स्कैनिंग दोनों का ही यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी काफी सिंपल है, काफी पहले से हम उसे यूज करते आ रहे हैं, ये काफी चीप भी है। दोस्तों अगर हम बात करें आयरिस स्कैनिंग की तो वो इतनी कॉमन नहीं है, थोड़ी सिलेक्टेड जगहों पर आपको वो देखने को मिलेगी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के बजाय काफी सिक्योर है, कहीं ज्यादा फास्ट है, कहीं ज्यादा एफिशिएंट है और आने वाले दिनों में फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के मुकाबले आयरिस टेक्नोलॉजी बेहतर होती हुई दिखाई देगी और ज्यादा जगहों पर नजर आएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आयरिस स्कैनिंग काम कैसे करती है। तो देखिए हमारे आंख के बीच का जो पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं नीली आंखें, काली आंखें, जिसे हम आयरिस कहते हैं और हिंदी में पुतली कहते हैं, तो ये जो पैटर्न है इसके अंदर जो बारीक बारीक डिटेल्स हैं वो हर एक इंसान की अलग अलग हैं। जब से कोई 2 साल का बच्चा जब तक मरता नहीं है बड़ा होकर, तब तक उसकी आंखों की आयरिस पैटर्न चेंज नहीं होती, ये लाइफ टाइम सेम रहती है। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में स्कैनर 40 से 50 चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करता है, लेकिन आयरिस स्कैनिंग में करीब करीब 240 से 250 जो पॉइंट्स हैं उनको मैच करता है, यानी 4 से 5 गुना ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ के पॉइंट्स मैच करता है कि जब तक सही नहीं मिलेंगे तब तक वो उन्हें एक्सेस नहीं दे सकता। अब दोस्तों एक स्कैनर कैसे काम करता है, तो दोस्तों उसमें एक इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है और एक नॉर्मल कैमरा लगा होता है। ये दोनों ही कैमरा एक साथ आपके आयरिस के हाई रेजोल्यूशन की फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद में ये उनमें से इम्पोर्टेंट डाटा को पिक करते हैं, जैसे कहाँ आपकी आयरिस में डाइवर्जन दिख रही है, कहाँ कन्वर्जेंस दिख रही है, कहाँ पर कर्व है वगैरह वगैरह, वो सभी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद वो एक कोड बना लेता है जिसे बोलते हैं आयरिस कोड। अब दोस्तों आयरिस स्कैनिंग के फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट जो है वो हमारी स्किन के बाहरी साइड में होता है, तो हमें कई बार काम करते समय स्क्रैच भी हो सकते हैं, कट भी सकता है, कई बार आपको चोट लग जाती है, तो इतना जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आयरिस स्कैनिंग में ये सारी चीजें एब्सेंट होंगी। आयरिस स्कैनिंग में बिना टच किए एक डिस्टेंस से सारी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आपका आयरिस पैटर्न है वो आपके कॉर्निया के अंदर छुपा होता है, ऐसे में वो एकदम प्रोटेक्टेड है। दोस्तों फिंगरप्रिंट में आप किसी के थंब का कॉपी बनाकर भी एक्सेस कर सकते हैं, इजीली बाईपास कर सकते हैं, लेकिन आयरिस स्कैनिंग में चूंकि वो आपकी आंखों को स्कैन कर रहा है तो कोई आपकी आंखें निकाल तो नहीं सकता या कॉपी भी नहीं कर सकता। पहले पुराने स्कैनर्स हाई रेजोल्यूशन की फोटो लेते थे जिसकी मदद से इजीली एक्सेस कर लेते थे दूसरे लोग, मगर आज के स्कैनर लाइव स्कैन करते हैं, वो आपको ब्लिंक करने को कहते हैं, अगर आप ब्लिंक करते हैं तो ओके, अगर नहीं तो नो एक्सेस। दोस्तों आयरिस स्कैनिंग एक रेयर टेक्नोलॉजी है, तो इसे पूरी तरह से मार्केट में आने में टाइम लगेगा। आज के स्मार्टफोन्स में ये टेक्नोलॉजी नहीं है मगर फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के तौर पर जल्द ही देखने को मिल सकती है। बट एट द एंड ये आयरिस टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत बहुत अच्छी है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।